शशि, आज मैं आपके लिए नई रेसिपी लेके आई हूँ जिसका नाम है मनचाओ सूप। तो मनचाओ सूप एक चाइनीज सूप है, तो देखिए हम इसको किस तरह से बनाते हैं। तो आप देखिए, मनचाओ सूप बनाने के लिए हम सबसे पहले नूडल्स तैयार करते हैं। तो नूडल्स को देखिए, हमने इसको बॉयल करके इसको स्ट्रेनर में छान के रख लिया है 10 से 15 मिनट पहले। इसको ऐसे करते हैं, पानी रख देते हैं, उसको बॉयल कर लेते हैं। उसमें 1 स्पून ऑयल डाल देते हैं, 1/2 स्पून नमक, और उसमें हम नूडल्स को डाल के इसको बॉईल कर लेते हैं। बॉईल करने के बाद स्ट्रेनर से छान के इसको इस तरह से 10 से 15 मिनट पहले इसको रख देते हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, चलिए हम आपको प्रोसेस बताते हैं। एक एक आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा कि किस तरह से हम ये सूप तैयार कर रहे हैं। तो देखिये, हम यहाँ पे एक पैन में ऑयल गर्म कर दिए हैं। ऑयल गर्म हो गया अच्छे से, मीडियम टेम्परेचर पे हमने इसको रख के अच्छे से ऑयल गर्म किया है। इसमें हम ये नूडल्स को इस तरह से डालेंगे। हमारा नूडल्स फ्राइड होना चाहिए, तो फ्राई नूडल हम किस तरह से बनाएंगे इसलिए हम आपको इस तरह से करके दिखाते हैं। आप पहले से ही फ्राई करके रख सकते हैं, किसी एयर टाइट कंटेनर में इसको फ्राई करके रख दीजिए, और जब भी आप मनचाओ सूप बनाइए इसको यूज करिए। तो इसको इस तरह से हम फ्राई करेंगे, इसे चलाएंगे जिससे दोनों तरफ से अच्छी अच्छी तरीके से क्रिस्पी फ्राई हो जाए। तो ऑयल को अच्छे से गर्म हो जाने दीजिएगा, मीडियम टेम्परेचर पे रख के इस तरह से चला के इसको एक तरफ से नीचे की तरफ सिक जाने देते हैं। फिर इसको पकड़ के इस तरह से हम टर्न कर देंगे, दूसरे साइड से भी सिक जाएगा। तो इस तरह से हम नूडल्स पहले से भी रेडी करके रख सकते हैं, किसी भी इसको फ्राई करके इसको एक टाइट कंटेनर में आप इसको पहले से बना के रख लीजिए। उसके बाद जब भी आपका मनचाओ सूप पीने का मन करे तो आप इस तरह से बनाइए, सूप तैयार करिए, आपका नूडल्स पहले से रेडी रहेगा, आप उसमें डाल के बना सकते हैं। लेकिन हम आपको इसमें सिखा रहे थे कि हम किस तरह से हम फ्राइड नूडल्स बनाते हैं, जैसे आप इसको बना सके रख सके। तो इसको क्रिस्पी होने के तक हम देखेंगे कि क्रिस्पी हो जाए, तब हम इसको उतारेंगे। क्रिस्पी हो गया, अब हम निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम सारे नूडल्स को फ्राई करके रख लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। गैस को ऑफ करें, पूरा नूडल्स हम इस तरह से फ्राई करेंगे। देखिए, हमने सारे नूडल्स को इस तरह से फ्राई कर लिया, आप देख सकते हैं एकदम क्रिस्पी है। ये देखिए, बिल्कुल क्रिस्पी है। यहाँ पे हमने मैगी नूडल्स यूज किया है, आप कोई भी नूडल्स यूज कर सकते हैं, इसे चाउमीन बनता है वो भी नूडल्स यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको पहले से फ्राई करके आप किसी भी टाइट कंटेनर में बंद करके रख लीजिए, और जब भी आपको मन करे सूप पीने का तो आप इसको यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम सूप बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम सूप बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, आप पूरा वीडियो देखिए किस तरह से हम बना रहे हैं। यहाँ पे देखिए, हम स्मॉल स्पून से हम यहाँ पे 2 से 3 स्पून हम यहाँ पे ऑयल यूज कर रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले 1 हरी मिर्च है, 1 हरी मिर्च लिया हमने, उसको काट लिया। उसमें ये देखिए 20 से 25 हम लहसुन लिए हैं, गार्लिक इसको भी हमने फाइन चॉप कर लिया, इसको भी हम डाल दे रहे हैं। इसको बस हल्का सा सोते करना हमें। तो यहाँ पे 1/2 इंच अदरक हमने लिया है, इसको भी डाल के इस तरह से उसमें चला देंगे। चाइनीज सूप है, इसलिए हमें बहुत ज्यादा इसको भूनना नहीं है, बस हल्का हल्का इस तरह से रोस्ट करना है। फिर इसमें हमें ऑनियन, ये खड़ा ऑनियन है, इसको हमने फाइन चॉप कर लिया है, एकदम बिल्कुल से फाइन चॉप किया, इसको इस तरह से डाल के चला देंगे। यहाँ पे हम देखिए, अब गाजर लिए, इसको भी फाइन चॉप किया हमने। इसको भी डाल के इसी तरह से चला लेंगे। शिमला मिर्च, ये 1 शिमला मिर्च है पूरा खड़ा, इसको हमने फाइनल चॉप किया। देखिए बिल्कुल बारीक ने इसको चॉप किया है, फाइन चॉप, इसको भी डाल के इसके साथ चला देंगे। वेजिटेबल्स आप कोई भी डाल सकते हैं, आपको जो भी वेजिटेबल पसंद है इसमें आप यूज कर सकते हैं। किंग ऑनियन हुआ, कैबेज हुआ, जो भी आपको वेजिटेबल पसंद है आप इसमें डाल सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। इसको मीडियम टेम्परेचर पे हमने कर दिया है, थोड़ा सा हल्का सा सॉफ्ट हो जाए, बहुत ज्यादा इसको नहीं भूनना है। देखिए भून गया, एकदम रेडी हो गया है। अब हम इसमें देखिए वेजिटेबल स्टॉक डाल रहे हैं, हमने वेजिटेबल स्टॉक घर में ही बनाया है, होम मेड वेजिटेबल स्टॉक है।
यहाँ पे हमने थ्री कप वेजिटेबल स्टॉक डाला है। अब इसमें ब्लैक पेपर डालेंगे, ये 1 स्पून ब्लैक पेपर हम डाल रहे हैं। सॉल्ट डालेंगे, सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, यहाँ पे जितना नमक खाते हैं उसी के अकॉर्डिंग डालिए। यहाँ पे हम 1/2 स्पून सॉल्ट यूज किए हैं क्योंकि वेजिटेबल स्टॉक में भी सॉल्ट थोड़ा रहता है। इसको इस तरह से बॉयल होने का वेट कर देंगे, इसको बॉयल हो जाने देते हैं। तो इसको कवर करके हम इसको बॉयल कर रहे हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। देखिए बॉयल हो गया, इसमें बॉयल आ गया अच्छे से। अब हम इसमें सारे सॉस को ऐड करेंगे। देखिए हमने कौन कौन सा सॉस यहाँ पे लिया है। यहाँ पे हम थोड़ा सा सेजवान सॉस यूज कर रहे हैं, आप रेड चिली सॉस भी यूज कर सकते हैं। सेजवान सॉस हमारा होममेड है, ये भी हमने आप सेजवान सॉस कैसे बनता है घर में इसका भी वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं और हमारे चैनल पे भी जाके देख सकते हैं कि किस तरह से हम सेजवान सॉस घर में बना सकते हैं। अब इसमें देखिए और क्या ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे हम सोया सॉस ऐड कर रहे हैं, सोया सॉस। देखिए यहाँ पे हमने 2 स्पून सोया सॉस यूज किया है, टमाटो केचप, टमाटो केचप डाल दें इसमें। टू से 3 स्पून हम डाल रहे हैं, 3 स्पून हमने टमाटो केचप डाल दिए। इस तरह से हम चला देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने कॉर्नफ्लोर लिया है, ये कॉर्नफ्लोर को हम देखिए इस तरह से वाटर में डाल के इस तरह ठंडे पानी में इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर में, ये ठंडे पानी में अच्छे से डिजॉल्व हो जाता है। इसको डाल के इस तरह से इसको चला देंगे, इसको फाइन से लिक्विड में। देखिए कॉर्नफ्लोर को हमने इसे वाटर में डाल के इस तरह से डिजॉल्व कर लिया। अब हम इसको देखिए थोड़ा थोड़ा करके सूप में डालेंगे। तो डाल के पैसे चला देंगे, जो बचा हुआ इसको भी हम डाल देंगे। इसको हम तब तक चलाते हैं जब तक ये ठीक नहीं हो जाता, हम इसको इसे चलाते हैं इसको थिकनेस बढ़ाने के लिए। तो ठीक हो गया है, देख सकते हैं इसको, इसका टेक्सचर बिल्कुल ठीक हो गया है। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद अगर हम इसको 1 से 1.5 मिनट तक इस तरह चलाते रहें तो थिकनेस इसकी अच्छी सी हो जाती है। ये देखिए परफेक्ट थिकनेस है। हम इसमें और देखिए क्या ऐड कर रहे हैं, धनिया की पत्ती हमने कोरिएंडर ली, पूरा 1 बॉल हमने इस तरह से फाइन चॉप कर लिया है। इसको हम डाल देते हैं, इसको डाल के चला देंगे। अब इसमें लास्ट में विनेगर डालते हैं, विनेगर से थोड़ा सा खट्टापन में आता है और सूप में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। तो इस तरह से देखिए इस तरह से हम 2 स्पून विनेगर डाल रहे हैं, इसको भी डाल के इस तरह से चला देते हैं। बस ये हमारा सूप बनके तैयार हो गया, हम आपको इसको सर्व करके दिखाते हैं। गैस को ऑफ कर दे रहे हैं। देखिए हमने सर्व करके इसको बोल में लगा दिया। अभी नूडल्स हमने जो फ्राई किया था तो देखिए इस तरह से हम तोड़ लेते हैं और हमने इसमें सूप में इस तरह से ऊपर से डाल के अब इसका एंजॉय करेंगे। बहुत ही टेस्टी बनता है ये हमारा मनचाओ सूप, आप इसे जरूर ट्राई करिएगा। बच्चे भी इसे बहुत चाव से खाते हैं, बड़ों को तो बहुत ही पसंद आता है सूप। तो देखिए हमने किस तरह से मनचाओ सूप आपको बना के रेडी की करके दिखाया, तो आप भी इसी तरह से मनचाओ सूप जरूर ट्राई करिएगा और जरूर बनाइएगा और हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपका मनचाओ सूप किस तरह से बना और आपने इसको यूज किया तो लोगों ने आपको किस तरह से शाबाशी दी। तो आपके फीडबैक का वेट करेंगे, आप फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं तो हमें फीडबैक मिलता है और हमें और अच्छा वर्क करने का मन करता है। तो आप हमें जरूर फीडबैक अपना दीजिएगा और लाइक करिएगा हमारे वीडियो को, शेयर करिएगा सोशल मीडिया पर भी, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करिए। इसी के साथ थैंक यू।